देशभर में कोरोना महामारी का आतंक अभी थम ही रहा था कि दूसरी ओर अब लोगों को डेंगू का प्रकोप भी सताने लगा है। देश के अलग अलग राज्यों के साथ दिल्ली भी डेंगू के मामलों से अछूता नहीं है। दिल्ली में भी लगातार डेंगू के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। हालांकि दिल्ली में शासन से लेकर प्रशासन तक हर कोई अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। निगम द्वारा भी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जगह जगह फॉगिंग कराई जा रही है। पानी इकट्ठा होने वाले स्थानों पर लगातार दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है ताकि डेंगू पर नियंत्रण रखा जा सके। दिल्ली के बुद्ध विहार निगम वार्ड में खुद स्थानीय निगम पार्षद अपनी मौजूदगी में जगह जगह दवाइयों का छिड़काव करवा रही हैं। घर घर पर्चा बांटकर और साउंड सिस्टम से लोगों को किया जा रहा है जागरूक। निगम पार्षद गायत्री गर्ग ने बताया कि न केवल लोगों को जागरूक किया जा रहा है बल्कि जहाँ कोई कमी दिखाई दे रही है उनको चेतावनी भी दी जा रही है। दिल्ली में अभी डेंगू के मामले नियंत्रण में हैं, जबकि दूसरी ओर प्रशासन द्वारा भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली से मारीदास की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। देखिए, वैसे तो नगर निगम की तरफ से बहुत ही वास्त तरीके से इसको चलाया जा रहा है कि किसी तरह से भी डेंगू मलेरिया ना फैले। जिस तरह से कोरोना के बाद अब ये बरसात का मौसम जाने के बाद डेंगू मलेरिया का टाइम हो जाता है, तो लेकिन हर गली में जाकर मलेरिया वाले पूरी, आप देख सकते हैं कि पूरी टीम ने रोज़ फॉगिंग करना और फोकल मशीन से नालियों में भी एंटी मलेरिया की दवाई डालनी और लगातार ये कार्य हर गली में चल रहा है। लोगों को समझाया भी जा रहा है किस तरीके से? लोगों को एक पैम्पलेट भी दिया जा रहा है जिसपे सारी उसमें उनको जानकारी है और लोगों को जाकर समझाया भी जा रहा है कि किस तरह से आप अपने घर में पानी को इकट्ठा ना होने दें और साफ सफाई का, रख रखाव का बहुत ध्यान रखें। मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से इस टाइम हम कोरोना से उभरे हैं, पूरा देश कोरोना से उभरा है, तो अपने घरों में बाहर सब तरफ साफ सफाई की पूरा ध्यान रखें और अभी भी मास्क पहनकर ही बाहर निकलें और अपना स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। और निगम हमेशा हर किसी की सेवा में निरंतर 24/7 सेवा में तत्पर है। हमारे लोकप्रिय निगम पार्षद निर्माण समिति की चेयरपर्सन गायत्री गर्ग जी ने हमेशा डेंगू पर रोक लगाई। पिछली बार हमारे तकरीबन 10 से कम ही केस थे, सबसे कम हमारे वार्ड में अनऑथराइज कॉलोनी होते हुए कम केस थे, पर अब की बार भी लगातार 1.5 महीने से हमारे यहाँ फॉगिंग का काम चल रहा है, एंटी लार्वा का काम चल रहा है, फोकल का काम शायद आपने देखा ही होगा, और सुचारू रूप से नालियों का काम और जितने भी हमारे SI है, ASI है और कर्मचारी हैं, जितने भी बेलदार हैं, बहुत रात दिन मेहनत करके कूड़ा उठाते। रात को 1:30 बजे तक हमारे यहाँ कूड़ा उठता है। जो भी हमें कमी दिखाई देती है पुनः हम उस मकान पे जाते हैं, उनसे पूछते हैं उनसे क्या दिक्कत है, एंटी लार्वा भी करवाते हैं, फोकल भी करवाते हैं और फोकिंग का काम भी करवाते हैं, और अन्य कोई भी दवाइयों की आवश्यकता है तो उनकी भी पूर्ति हम करते हैं।